तो जैसे कि गाइज आप सभी भाई जो है लिथियम बैटरी वगैरह तो यूज करते ही होंगे, वहीं गाइज उसमें जो है इंडिकेटर आ रहे हैं अब काफी सारे न्यू न्यू अलग अलग टाइप्स के। इस वीडियो में गाइज आज जो है हम दो इंडिकेटर हैं जो कि बेसिकली यूज हो रहे हैं। सो इस वीडियो में काफी सारे इंडिकेटर जो है गाइज लेके आ चुके हैं, इस वीडियो में आपको वही दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसमें जो है आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो है चलो ओपन ही कर लेते हैं, यहाँ पे सारे इंडिकेटर को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के इंडिकेटर आए हैं अभी, एक ब्लू पीसीबी में रहने वाला है, देन एक जो है यहाँ पे आपका ग्रीन पीसीबी में रहने वाला है। गाइज दोनों जब भी आप मार्केट से परचेज करें या फिर ऑनलाइन मार्केट से परचेज करें तो आपको जो है एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है किस यूज के लिए लेना है। मार्केट वाला तो आपको ये बोल देगा कि दोनों ही सेम है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ ये, और आपको डायरेक्टली ये बोलेगा कि दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पीसीबी का फर्क है। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब आप अगर इस वाले को ले लेते हैं और पता चला आपका काम नहीं हुआ इससे, तो फिर आपको ये अलग से फिर से दोबारा से खरीदना पड़ेगा। तो चेंज कोई नहीं करता है, तो बस इस वीडियो को जो है आपको लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है लिथियम बैटरीज वगैरह भी ऐड करके रखी हुई है, जो कि मैंने पर्सनली इसको जो है चेक करके देखा है कि हाँ वाकई जो है दोनों डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और लिथियम बैटरी वगैरह अगर आपको गाइज परचेज करनी है तो आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। देखो लिथियम बैटरी आपको ओरिजिनल लिथियम बैटरी मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आपको लेनी है तो आप डायरेक्टली हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ओरिजिनल चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी देखने के लिए मिल रही है ऑनलाइन मार्केट में, देन ऑफलाइन मार्केट में भी डुप्लीकेसी आ रही है। अगर आपको ऑनलाइन में हमसे बैटरी परचेज करनी है या फिर आप ऑफलाइन ऑफलाइन में भी आ सकते हैं, हमारे पास दोनों में ही अवेलेबल हो जाएगी लिथियम बैटरी परचेज करने के लिए। आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट जाओ जहाँ से वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर लो। लेकिन अब जो है उससे पहले हम यहाँ पे जो है चलो ये भी देख लेते हैं कि आखिर दोनों में यहाँ पे क्या डिफरेंस निकल गया था। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्लू वाला, ठीक है, ये आ गया हमारा ब्लू वाला। देन ग्रीन वाले को भी चलो ओपन कर लेता हूं मैं एक बार यहां से। देन ग्रीन वाला कटिंग नहीं दी हुई है इसमें, आई थिंक मुझे जो है यहां पे इसमें चाकू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। मैंने जो है गाइस यहां से इस पन्नी को कट कर लिया है, देन इसको चलो जल्दी से ओपन कर लेता हूं। यहां से जो है ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहां से देख लेते हैं। अभी गाइज अब आपको यहाँ पे जो है दोनों इंडिकेटर बिल्कुल सेम देखने के लिए मिल रहे होंगे, क्योंकि डिस्प्ले वगैरह जो भी लगी हुई है इसमें बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे जो पीसीबी का कलर है वो यहाँ पे बस आपको चेंज मिलता है, एक में आपको जो है ब्लू मिलता है, देन दूसरे में आपको जो है ग्रीन मिलता है। तो यहाँ पे जो है गाइज पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो आपको जब पता चलेगा कि हाँ दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो है आपको ये मिलता है आपको नॉर्मल यूज के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपने ये वाला परचेज किया है और आपका क्या यूज है मैं बताता हूं आपको। जैसे कि आपको जो है यहां पे देखो, जैसे आपको अगर यहां पे एक सिंगल लिथियम बैटरी अगर यूज करनी है, मतलब इसका आपको ये चेक करना है कि इसमें बेसिकली वोल्टेज कितनी है, ठीक है, अगर आपको इसमें यह पता करना है कि इसमें वोल्टेज कितनी है, तो आप इंडिकेटर्स को डायरेक्टली इसमें कनेक्ट करो, ठीक है, बैटरी के पॉइंट को इसमें कनेक्ट करो और यहाँ पे जो आपको ये इंडिकेट कर देगा। वहीं अगर आप और अब आप ये चाहते हैं कि भाई मैं जो है एक नहीं, मैं तो यहाँ पे दो यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप दो भी यूज कर पाओगे इसमें। और अब आप चाहेंगे कि मैं तो तीन यूज करूंगा तो तीन का इंडिकेटर बनाओ तो तीन भी यूज हो जाएंगे इसमें। और वहीं अगर आप फोर सेल भी लगाओगे तो फोर सेल भी हो जाएंगे। ये आठ सेल आपके अगर यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, अगर आपके आठ सेल सीरीज में लगे हुए हैं तो आप डायरेक्टली आपका जो है क्या होगा कि ये वाला जो इंडिकेटर है ये आपका एट एस तक काम करता है, वन एस से लेके एट एस तक आपको जो है इसमें जो पॉइंट्स हैं वो दिए जाते हैं। देखो वन एस से लेके एट एस, ठीक है, आप इसमें जो है आठ सेल सीरीज में लगाएंगे और उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपको इंडिकेटर सभी सेल का शो करे कि आखिर कितना यहाँ पे आपको जो है जो पूरी बैटरी पैक है आपका वो चार्ज है, कितना चार्ज है कितना चार्ज नहीं है, तो आपको इस वाले इंडिकेटर को ले लेना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी से वीडियो बनाई हुई है तो आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब वहीं एक बात और आती है, काफ़ी सारे भाई ये बोलेंगे कि भाई हमें जो है ये एक ही काम करना है, हमें तो हमें इनमें से कोई सी भी बैटरी ऐसी नहीं है जो अलग अलग हमें करना हो, हमें तो बस एक ही काम करना है जो कि हमारा 12 वोल्ट का हो।
ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको जो है एक 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनाया है आपने, और आप चाहते हैं कि मुझे जो है एक ऐसा इंडिकेटर मिले जो मेरी 12 वोल्ट की कैपेसिटी को पूरा दिखाए, तो आप जो है इस वाले इंडिकेटर के साथ में जा सकते हैं। आप इसमें डायरेक्टली अपना जो है लगाओ और यहाँ पे जो आपका पता चल जाएगा कि आखिर इसकी जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आपको जो है बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितनी है, इसके यहाँ पे मीटर्स वगैरह लगे हुए हैं, सारी चीजें आपको प्रॉपरली दिखा देगा। ठीक है, और अगर आप इसमें ये चाहते हैं कि भाई मैं जो है एक सेल का भी देख लूं, तो भाई इसमें तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ब्लू वाले में पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पे ग्रीन वाले में देखेंगे तो ग्रीन वाले में आपको 8S तक का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। और जैसे अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे अब वो होगा कैसे। अब इसको तो पता नहीं चलेगा कि आखिर यहाँ पे जो है आप एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, दो बैटरी कनेक्ट करो, इसको कैसे पता चलेगा, इसको आपको बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे S1 दिया हुआ है, तो जैसे आपका यहाँ पे जो है एक सेल कनेक्टेड है, मैं तो बताता हूं, जैसे आपका एक सेल कनेक्टेड है, आपने जो है आपको आप ये कह रहे हैं कि मुझे जो है एक सेल कनेक्ट करना है, तो आपको डायरेक्टली करना क्या है, डायरेक्टली आपको जो है यहां पे 1S पे आपको जो है ये शॉर्ट कर देना है। देखो दो पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, दो पॉइंट दिखने के लिए मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो दोनों को शॉर्ट कर देना है। ठीक है, शोल्डरिंग आयरन से थोड़ा सा एक शोल्डर कर दो जिससे आपको जो दोनों पॉइंट ज्वाइंट हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इनको कनेक्ट कर दो, दोनों को कनेक्ट करते ही आपका जो है ये मॉड्यूल क्या करेगा, फिर इसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है ये बंदा एक सिंगल बैटरी लगा रहा है और उसकी वोल्टेज को चेक कर रहा है, तो इस मॉड्यूल को पता चल जाएगा S1 पे शॉर्ट है, तो देन एक बैटरी आप जो है चार्ज कर लोगे। वहीं अगर आप ये चाहते हैं कि हमें जो है दो बैटरी करनी है, तो फिर दो बैटरी के लिए आपको जो S2 पे शॉर्ट करना पड़ेगा। देखो S2 पे आप जैसे ही शॉर्ट करोगे तो आप जो है फिर दो बैटरी को चार्ज कर, मतलब देख पाओगे, इंडिकेटर से देख पाओगे कि आखिर आपकी दोनों बैटरी कितनी चार्ज है यहाँ पे, है ना। और अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने जो है इसमें तीन बैटरी कनेक्ट करी, और तीन बैटरी कनेक्ट करने के बाद आप इस पे लगा दिया, और आपको आप ये करना भूल गए कि आपने जो है 2S पे ही रहने दिया और 3S नहीं किया, तो गाइज ये जो आपका इंडिकेटर है ये आपकी बैटरी फुल शो करेगा, क्योंकि उसकी जो वोल्टेज है बैटरी की वो यहाँ पे आपकी बढ़ जाएगी, जिसको जिससे इसको लगेगा कि यहाँ पे जो आपकी बैटरी फुल चार्ज है, आपको प्रॉपरली नहीं दिखाएगा। तो आप 8S तक यहाँ पे जो है अपनी बैटरी कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे इसके लिए मैंने ऑलरेडी से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो है हमारे पास यहाँ पे एक ग्रीन वाला आया है और दूसरा ये वाला आया है हमारा। ठीक है, तो आप 12 वोल्ट की बैटरी को इंडिकेटर से, इस वाले इंडिकेटर से आप देख सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। आपकी बैटरी पैरेलल में कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हो, या आपकी बैटरी को 12 वोल्ट की बैटरी है अगर आपके यहाँ पे, तो आपकी बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है प्रॉपरली दिखा देगा कि आपकी बैटरी में कितनी वोल्टेज है अभी। चलो मैं एक बार यहाँ पे जो है लाइव टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है मैंने देखो इसमें बेसिकली क्या क्या किया है मैंने, यहाँ पे एक मिनट लगा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और एक मिनट, शायद ये जो है करंट तो आ रहा है उसमें, बस कनेक्ट करने की देरी है। सो एक बार मैं इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसका जो है सोल्डिंग से ही यहाँ पे जो है काम होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली ऐसे हाथ से लगाओगे। तो गाइज यहाँ पे जो वैसे कनेक्शन जो है ना इसमें नहीं होंगे, इसके अगर कनेक्शन होते तो मैं इसमें भी करके दिखाता, कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो है मैं इसके लिए ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो इसी की ही आएगी। तो उससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करो अगर इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो, और कमेंट में जरूर से बताना कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। और साथ ही साथ आप जिस भी भाई को ये आइटम परचेज करना है काफ़ी कम प्राइस में, और बल्क में अगर परचेज करना है तो भी बता देना मुझे, दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे जाके डायरेक्टली हमसे जो है पूछ सकते हो अगर आपको जो भी आइटम परचेज करना है तो। और वहीं आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, भाई क्या करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, जल्दी से जाके फॉलो करो, रील्स वगैरह डल रही हैं, तो जाओ देखो उसको प्रॉपरली। ठीक है, आई होप नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।